अस्सलाम वालेकुम जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद रैया की तरफ से हमारा स्टडी टूर जा रहा है, तो इसमें हम डिफरेंट प्लांट की बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर कैसर मकसूद हैं, जो आपको शेयर करना चाहते हैं। ये जो बॉटनी का करिकुलम है, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है, डाइवर्सिटी ऑफ वास्कुलर प्लांट है, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये बहुत सी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड भी हम वो डिफरेंट रीजन टू रीजन वेरी कर रही है। तो हम लोग इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो वो क्योड़ा माइन और कलर तहार वहाँ पर जाके कुछ जो सिकेंडरी बायोडाइवर्सिटी है या थॉरी बुशेज हैं उनका हम जो है वो सब उनको दिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को डिटेल उनका कि उनके मॉर्फोलॉजी, और हम डिस्कस करेंगे कि ये इस हैबिटेट में जो रह रही है तो इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो किस लिहाज से है जो उनको फेवर करती है इस क्लाइमेट में, क्योंकि ये रेन फेड क्लाइमेट है, यहाँ पर इरीगेशन जो है नहीं, तो रेन फेड क्लाइमेट में वो किस तरह से सर्वाइव करती हैं और उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल, वो हम जीतें जब उनको। सर इसमें एक और हमारे व्यूवर के लिए क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज़ हैं मेरे ख्याल में वो तो जो नार्थन एरियाज हैं, यूपीएम हो गया, इस तरह मरी हो गया, तो इनमें ये पाई जाती है। जो प्रीडोमिनेंट स्पीशीज़ है एंजियोस्पर्म की, क्या ये हमें मिलेगी जहाँ पर? यहाँ पे मिलेगी कि जो वो जो आप ब्रायोफाइट की बात करें वो हमें टेम्परेट या जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल है मोर देन 1000 मिलीमीटर है वहाँ पर वो ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर सच ऐसा नहीं होता, 500 to 600 mm यहाँ पर रेनफॉल है, तो इस वजह से यहाँ पर जो डियर व्यूअर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमेशा जो बायोडाइवर्सिटी है या जो जिसे हम प्लांट वैरायटी कहते हैं, ये हमेशा एल्टीट्यूड के हिसाब से इंक्रीज होती है। जिस तरह अगर अब हम देखें तो हम सी लेवल पे बैठे हैं, जो जो हम एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो नेचर की जो प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है या जो इसकी वैरायटी है वो भी इंक्रीज होती है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन।